प्रीवियस लेक्चर में लिविस एसिड कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड्स। तो जो लिविस एसिड्स हैं हमारे पास वो तकरीबन उनके 10 टाइप के हैं, मतलब एक मिलते जुलते भी हैं तो 8 से 10 उसकी टाइप्स आप कह सकते हैं। सबसे पहले है सिंपल कैटाइन, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, अमोनियम है, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, फेरस फेरिक वगैरह, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल कैटाइन है। आपको पता है लिविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दे दी यहाँ पे, जैसे हाइड्रेशन है, कोबाल्ट का रिएक्शन कराया गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें ये वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। सिमिलरली ये अमोनिया के मॉलिक्यूल इसको डोनेट करेंगे, ठीक है, तो इस पर प्लस टू चार्ज है तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, 2 इजाफी इसको दे देंगे तो नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। लिथियम है इसी तरह, ये यहाँ पे अमोनिया है तो हाइड्रेशन कहेंगे, वाटर है हाइड्रेशन कहेंगे, तो अगर ये अल्कोहल होगा तो इसको हम अल्कोहलेशन भी कह सकते हैं, मीनिंग इस तरह ये कह सकते हैं, जैसे ये लिथियम है इस पर तो ये CH3OH इसके पास लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर हैं ये इसको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस पर अटैक करेंगे, ठीक है, तो इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा। जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो ये देखिए इसके साथ बॉन्ड बन गया है, तो इसका चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इस पे जो चार्ज है वो ख़त्म हो जाएगा लिथियम पे, लेकिन इससे 3 बॉन्ड बन गए इससे चार्ज आ जाएगा, इसीलिए ठीक है इस पे ओवरऑल चार्ज दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ये इसी तरह की रिएक्शन कॉपर और कोबाल्ट पर भी ऐसे होंगे। तो ये आपके पास क्या है, सिंपल कैटाइन्स है। दूसरी आपका स्पीशीज क्या है, कैटायनिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज, ये हम नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे, उससे भी मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो कैटायनिक ये आपको पता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2, 4, 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री है तो डेफिशिएंट है, इसलिए क्या बनाते हैं ये, इस पे प्लस चार्ज बनाते हैं। अमोनिया है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसके पास वॉल्यूम है, ये लिविस बेस के तौर पर काम करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आफ्टर डोनेशन ठीक है इसके दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक, ये इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये कोऑर्डिनेट पोलर बॉन्ड बनेगा और प्लस फेस भी आ जाएगा, उसने डोनेट करती हैं तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये हो गया कैटायनिक मॉलिक्यूलर स्पीशीज। थर्ड नंबर टाइप है मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, वो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कौन कौन सी है, BF3 है, ठीक है, ये BF3 है, तो 2, 4 और 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री है इसकी, 8 नहीं है, इसीलिए ये क्या है ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे किसी से भी एक्सेप्ट करेंगे, जैसा कि मशहूर हमारे पास है NH3 है ये लोन पेयर के साथ, ठीक है, तो ये BF3 और ये NH3 बन जाए, ठीक है, इसके पास तो माइनस और ये प्लस हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये है, इसी तरह एल्युमिनियम सिमिलरली इनका रिएक्शन, ठीक है, एल्युमिनियम क्या है सिमिलरली अमोनिया के रिएक्शन के साथ हो गए, इसके साथ ये एग्जांपल में नहीं है, ठीक है, ये एग्जांपल है, बोरोन और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो 3 ये स्पीशीज हो गई। इसके अलावा 4th स्पीशीज है मॉलिक्यूल्स विद सेंट्रल एटम
हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। इनके पास जैसा कि हमारे पास SN है, ठीक है, Cl4 है, या सिलिकॉन के भी है SiF4, इसी के ले लेते हैं, ठीक है, F4। अब ये इनके पास ये डी ब्लॉक होता है, अपना डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, इनके पास खाली होता है, तो ये आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लेकिन इनका डी क्या होता है, नेक्स्ट डी जो है एम्प्टी होता है, तो ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि SnCl2 भी है, ठीक है, SnCl4 भी है, डिफरेंस में ये +2 में है, ये +4 में है। रीजन क्या है कि यहाँ पे ये अपने डी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है, तो इनके पास डी एम्प्टी मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसको क्लोराइड दे दें, 2 क्लोराइड और दे दें तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, इसको भी 2 क्लोराइड और दे दें, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, ये लिवस बेस है, तो ये लिवस एसिड होगी, ये लिवस एसिड होगी, इसके साथ रिएक्शन होगा, तो SN, ठीक है, Cl4 है और 2 और मिल जाएंगे Cl, ठीक, ये बन जाएंगे। इसी तरह ये SnF4 और Cl2 लिख सकते हैं आप। अब इस पे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस तरह भी बना सकते हैं हम कि ये SN है, तो Cl है ये, अब 2 Cl और है, तो इसके पास क्योंकि एम्प्टी है ऑर्बिटल, 1 Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पे और 1 Cl माइनस यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव बना लें, ठीक है, या इसको आप नेगेटिव बना लें, Cl माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेकिंग फॉर्मेशन में ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसको दे देंगे, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, और ये लोन पे वैसे होते हैं, ठीक है, ये भी इसके साथ, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इसके साथ भी, और सिमिलरली इसके साथ भी, तो माइनस, ठीक है, इसने दे दिए, आप इसको मिल गए, इसके ऊपर माइनस 2 माइनस इधर से मिले और इधर से मिले, तो और आता होगा SnCl माइनस 2, और सिमिलरली ये भी माइनस 2 हो जाएगा OCl में। ये फोर्थ टाइप हमारे पास है मॉलिक्यूलर सेंटर एटम, तो ये आपके पास क्या है, लिवस एसिड है, ये भी लिवस एसिड, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर के हैं, एक्सेप्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है, तो ये भी लिवस एसिड की टाइप है। इसी तरह स्पीशीज हैविंग, ठीक है, फिफ्थ हमारे पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स, अमूमन मॉलिक्यूल्स बेटर है स्पीशीज, ये एग्जांपल पहले भी उससे मैच करती है, ये फर्ज करिए आपके पास है स्पीशीज है, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसका रिएक्शन सिंपल करा दें, अमोनिया के साथ करा दें, तो इसमें ये क्या है आपके पास, बस पहले बढ़ते आ रहे हैं, तो ये भी आपके पास क्या है, ये एसिड है, ठीक है, ये टाइप हो गई। इसी तरह मॉलिक्यूल हूज सेंट्रल एटम इज लिंक्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अब इसमें एक एग्जांपल हम ये कार्बन CO2 है, अब सेंट्रल एटम है कार्बन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या है, ये अटैच है, ठीक है। इसी तरह SO2 भी है, ठीक है, वो भी ले सकते हैं, SO3 है वो भी ले सकते हैं, डिफरेंट इसमें है, तो सिंपल इसका रिएक्शन करा देते हैं, ये आपके पास क्या है, OH, तो इसने जब इस पर अटैक करना है तो ये बॉन्ड यहाँ पे, तो ये चीज क्या बनेगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये माइनस बन जाएगा, और वजह देखिए असल पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इसलिए ये जो यहाँ पे ये लोग पेयर है इलेक्ट्रॉन है इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, जो पार्शियल पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ये, तो इसने एक्सेप्ट किया, तो ये लिवस एसिड है आपके पास, तो ये भी टाइप है लिवस एसिड की, तो सेंट्रल एटम किसके साथ कनेक्टेड है,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन इसके साथ है, तो ये भी बिहेव करेगा एज ए लिविंग एसिड के तौर पर। इसी तरह कुछ हमारे पास हैं कंसेप्ट लोमो के। लोमो का मतलब ये होता है कि जिनके पास ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, वो अगर एस हो तो उसको एस लोमो भी कहते हैं। बाद बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है, ये इसमें कि ये लोमो फिर एस लोमो भी लिखा हुआ है, तो यही ही चीज है। अगर इसमें वो एस है तो उसमें एस लोमो कहेंगे, अगर पी के पास है तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड तो उसे पी लोमो कहेंगे। पर इसके लिए ये हाइड्रोजन है, वही रिएक्शन जो हमने पढ़ा था ये इसके पास, ठीक है। अब हाइड्रोजन आपको पता है कि 1s, 1s1 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है s, 1s0 इस फॉर्म में, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके पास s है, तो l ऐसे होता है तो ये लोएस्ट है और अनऑक्युपाइड, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, अनऑक्युपाइड है, तो लोएस्ट अनऑक्युपाइड मल्टी ऑर्बिटल बनेंगे, तो इसमें मल्टी ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसमें इसी तरह सोडियम है, सोडियम भी ऐसे बना सकते हैं, सोडियम है तो 11 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये अगर इसको हम प्लस में लिख दें तो ये आपके पास इसको, ठीक है, जीरो है, ये एम्प्टी है आपके पास, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, शेष के साथ रिएक्शन करा देते हैं किसी भी, ठीक है, लिवेस बेस अमोनिया से भी करा सकते हैं आप। तो इसमें एस है, ये एस लोगो, ये भी एस लोगो चला गया, ये भी एस लोगो, लोगो भी कहते हैं इसको। और लास्ट में हमारा सेकंड लास्ट एक है हमारे पास कि कुछ ऐसे होते हैं लिविंग एसिड जिनको हम ओनियम, लास्ट में ओनियम स्पीशीज भी कहा जाता है इनको, जैसा कि कार्बोनियम है, ठीक है। अब कार्बन ये एग्जांपल पहले हमने पढ़ी है कि ये हमारे पास फर्क करे ये कंपाउंड है, ठीक है, तो ये टाइप कर रहे हैं। अब इसको ये है, इसको कहते हैं ओनियम, कार्बन के लिए और ओनियम कार्बोनियम जिसको हम कहते हैं आयन, ठीक है। तो ये भी क्या है, लिविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसका रिएक्शन किसी से भी करा दें आप, वाटर से भी करा सकते हैं, कोई भी और स्पीशीज हो उससे करा दें, नेगेटिव स्पीशीज को भी ले लें, ठीक है। अब ये नेगेटिव है इसका रिएक्शन, तो इसके पास हम क्या है इसको डोनेट कर देंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये एसिड है ओनियम जिनके लास्ट होता है मोस्टली, ठीक है, ये शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इसी तरह कुछ हैं एलिमेंट्स विद सिक्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये उसी तरह है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं सिमिलरली, जैसा कि ऑक्सीजन है, ठीक है, अगर किसी के पास ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन होता है छठे ग्रुप में है, सिक्स इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री है। सल्फर है तो ये भी सिक्स ग्रुप में है, सिक्स इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री है, तो ये भी इनका भी आप रिएक्शन किसी से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन का रिएक्शन आप करा दें सेल्फ ऑर्गेनिज्म पर, आप SO3 से करा दें, तो ये SO3 है माइनस टू, ठीक, प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन से करा दें तो ये SO4 माइनस टू। तो इसमें जाहिर है कि जब रिएक्शन होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में तो इसके साथ बॉन्ड बनेगा, तो वो बॉन्ड बनाने के इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहाँ से आएंगे, तो ये यूज होंगे, इसलिए ये यूज होंगे। तो ये आपके पास चार स्पीशीज है, ये लिविस बेस कहलाएगी और ये लिविस एसिड, तो इसी तरह के रिएक्शन होते हैं। तो ये पॉसिबल आर द टाइप्स हैं लिविस एसिड की। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लिविस बेसिस की कितनी टाइप्स हैं और इनकी फिर क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ
लिवेस बेसिस और उनका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे और साथ में हम उनकी स्ट्रेंथ भी पढ़ेंगे।